बच्चों दिल के कच्चों मैं हूँ बैलो काम का फैलो कायल बाल गोविंद भगत का बैलो खिसकी बात है खराटे खाय पाए खारा। अरे चिंदे सकल से बिल्ले हिंदी नहीं बोल सकता है, लगता है तुझे दो लत्ती लगाना पड़ेगा। हम हिंदी बोलेगा भाई, हिंदी हमको बहुत भाता है। तुम किस बाल गोविंद भगत की बात करता है? यह एक रेखा चित्र है जो रामवृक्ष बेनपुरी जी के द्वारा लिखित है। रामवृक्ष बेनपुरी यह बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनपुरी के रहने वाले है ना? हाँ हाँ वही है। अच्छा इस रेखा चित्र के बारे में बताओ ना। चलो इस रेखा चित्र के बारे में मैडम जी से पूछते हैं। अरे जाने दो, वह मैडम बहुत डांटती है। अरे नहीं, बदमाशी नहीं करोगे तो क्यों डांटेगी? चलो अगर उसने डांटा तो काट खाऊंगा। अरे नहीं भाई, गुस्सा न कर, कुछ नहीं करेगी। तुम्हें कुछ पता हो तो पहले तुम ही कुछ बताओ। अरे सब रखोगे, लो सामने मैडम जी का घर आ गया। नमस्कार मैडम, यह बिल्ले सकल का किल्ला अकल का गिल्ला आपसे बाल गोविंद भगत के बारे में जानना चाहता है। हाँ हाँ बताओ, क्या जानना चाहते हो? यही कि बाल गोविंद भगत कौन थे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र यही कुछ 60 वर्ष। कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी पहनते थे। जाड़े में शरीर पर कम्बल डाल लेते थे, माथे पर तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की माला। वैसे तो वे साधु नहीं थे, पर उनका जीवन साधुओं से कम भी नहीं था। तो उनका जीवन कैसे चलता था? बाल गोविंद भगत खेती करते थे, जो कुछ होता था वो बगल के कबीर मठ में पहुंचा जाते थे और वहां से प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था। वे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनका कहना था कि सब कुछ साहब का है। अरे ये साहब कौन है? साहब मतलब कबीर दास जी। वे कबीर के भक्त थे, सदा सत्य बोलते थे, स्पष्टवादी थे, परंतु किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो क्या उनके परिवार में और कोई नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बेटा कुछ मंद बुद्धि का था, इसी कारण वो उसे बहुत मानते थे। उनका कहना था ऐसे लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और बहू कैसी थी? बहू बहुत अच्छी और सुशील थी। उसने पूरे घर को संभाल रखा था, इसी कारण बाल गोविंद भगत घर गृहस्थी से बहुत दूर रहते थे। अच्छा आगे क्या होता है? एक दिन दुर्भाग्यवश बाल गोविंद भगत का बेटा चल बसा, परंतु उस संत व्यक्तित्व के माथे पर कोई सिकन नहीं थी। बेटे को आंगन में लेटाकर उसके बगल में ही अपनी खंजड़ी लेकर के कबीर के गीतों को गाए जा रहे थे और बार बार जाकर अपनी रोती हुई पतोहू को समझाते कि क्यों रो रही हो, यह तो खुशी मनाने का दिन है। आत्मा का परमात्मा से, विराहिन का प्रेमी से मिलन का दिन है, इसीलिए खुशियां मनाओ। अरे वाह, वो तो वास्तव में महान संत थे। हाँ यह सत्य है, वे संत के साथ समाज सुधारक और प्रगतिशील थे, क्योंकि उन्होंने अपने पतोहू के हाथ बेटे का क्रियाकर्म करवाया। पर तुम इंसानों में तो औरतें यह काम तो नहीं करती है। हाँ यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने श्राद्ध कर्म पूरा होते ही पतोहू के भाई को बुलवाया और पतोहू को उसके साथ भेज दिया। पतोहू जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोचती थी इन्हें बुढ़ापे में भोजन पानी कौन देगा। परंतु उन्होंने जिद करके उसे मायके भेज दिया और साथ ही भाई को कहा कि इसका दूसरा विवाह कर देना। वाह वाह, तो सच्चे अर्थों में कबीर के भक्त थे। पतोहू के जाने के बाद खाने पीने की अव्यवस्था होने लगी। एक बार उनको तीव्र ज्वर था, उसके बाद भी 30 कोस पैदल चल करके गंगा स्नान करने गए और उसी हालात में वापस आए। दूसरे दिन भोर में लोगों ने उनके गीत नहीं सुने तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका मृत शरीर पड़ा था। अरे वाह मैडम जी, वह संत थे संत। हाँ सत्य कहा कि वह संत थे। चलो अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपने काम पर जाना है। नमस्ते मैडम जी।
नमस्ते मैडम जी। बाय बाय बिल्लू एंड बालो। वास्तव में इस तरह के लोग संसार में बहुत कम होते हैं। लेखक उनके संगीत का कायल था। जब वे अपनी खंजरी लेकर गाते थे, लोग उनके संगीत से आकृष्ट होकर उनके पीछे चले आते थे। अच्छा, सच इस तरह के इंसान नहीं मिलते हैं। वे वास्तव में संत थे। संत।